कॉर्वस ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट हमारे पोको के एक्स टू डिवाइस के लिए आ चुका है, जिसे फिलहाल मैं 2 डेज से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पोको S3 GT आया हुआ है और इसकी फुल टेस्टिंग अभी चल रही है, जिसकी वजह से बाकी अदर काम थोड़े डिले हो चुके हैं। बट यहाँ पे क्या कुछ मुझे देखने को मिला है, स्टैंड बाय, बैटरी बैकअप, कस्टमाइजेशन, परफॉर्मेंस, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस बार मैं कह सकता हूँ कि हाँ, कॉर्वस ने अपना रियल नाम है जो फिर से पा लिया है, यानी गेमिंग के नाम से ये पॉपुलर है, तो इस बार इसने गेमिंग के नाम को पूरे अच्छे तरीके से अचीव कर लिया है। बट छोटी मोटी इधर उधर कमियाँ देखने को मिलेगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप कस्टम रोम के लवर्स हो, पोको S2 यूज कर रहे हो, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, और इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अगर आप GT बाई करने की सोच रहे हो, तो GT से रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियो दे रखे हैं, आप चेकआउट जरूर कर लेना। एंड्रॉयड वर्जन पे आप देख पाओगे कि आपको 11 देखने को मिलता है, और ये है 16.7 का ऑफिशियल अपडेट, जहाँ पे डिवाइस नेम फोनिक्स और मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिलेगा। मैं 6G वाला वेरिएंट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसमें जुलाई 5 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया गया है, और यहाँ पे नाइट ब्लेट का कर्नल यूज किया गया है। सिलिनक्स आपको इन्फोर्सिंग देखने को मिलता है, बिल्ड नंबर और बिल्ड डेट जो कि आपको 26 का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बिल्ड टाइप वगैरह। बैक चलते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे सिस्टम, जहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन पहले से इनेबल रहता है, तो आपको यहाँ पे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप यहाँ पे नीचे आके फ्री फॉर्म वगैरह को चाहो तो ऑन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बैक चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे कस्टमाइजेशन, लेकिन वहीं पे अगर हम चेंज लॉक की बात करें तो चेंज लॉक में भी काफ़ी कुछ यहाँ पे ऐड किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन फोर्ट से रिलेटेड बहुत कुछ कस्टमाइज किया गया है, और हमारे पोको X2 के डिवाइस के अंदर फोर्ट जैसा कुछ है नहीं, तो ये जितने भी कस्टमाइजेशन है ना फोर्ट से रिलेटेड, वो सब कुछ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। बट उसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया गया है, और जो जो चीज़ें पहले प्रॉब्लम कर रही थी उसे रिमूव कर दिया गया था, और यहाँ पे वापस से जो ऐड कर दिया गया है, तो बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। लॉक स्क्रीन पे आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और एप्स लॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे इंस्टेंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और फेस अनलॉक में पहले एनिमेशन नहीं था, बट अब आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको फेस का आइकन देखने को मिलता है इस जगह, तो ये एनिमेट करता है, जो कि पहले एनिमेशन के साथ नहीं आता था, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, जो कि अच्छे तरीके से आपको वर्किंग देखने को मिल जाएगा। साउंड के प्रोफाइल पे ज़्यादा कुछ तो ऐड नहीं है, बट ट्रिक साउंड आपको मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। और आप देखोगे मैंने FPS मीटर को भी इनेबल कर रखा है, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, और मैंने गेम प्ले किया है, जहाँ पे आप चेक कर लेना कि कितना आपको FPS देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा डार्क मोड, डबल टैप, इनेबल ब्लर्स वगैरह का ऑप्शन, स्टाइल्स का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको कई सारे क्लॉक देखने को मिलते हैं, जो कि पहले रिमूव कर दिए गए थे, फिर से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे खुद के और बाकी अदर कस्टम रोम्स के हैं जो क्लॉक्स को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा सा ह्यूज कलेक्शन देखने को मिल जाएगा कस्टम रोम्स वगैरह का। और एक छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, आप देख पा रहे हो ये मेरे पास GT है, और इस पर अभी Antutu रन हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 10 टाइम Antutu को, CPU को और Geekbench वगैरह को रन किया है, और जो रिजल्ट निकल के आया है ना भाई, MediaTek ने भाई बिल्कुल ही कमाल कर दिया है, और इतना कमाल का रिजल्ट आया है जो कि शायद Snapdragon भी शायद ना दे पाए। तो एक हैवी टेस्टिंग का यहाँ पे वीडियो आने वाला है, जल्दी आपको मिल जाएगा, तो चेक करें और शेयर जरूर करें अपने GT यूजर्स के साथ। यहाँ पे आपको आगे बढ़ते हैं तो कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अच्छे से काम कर रहा है, तो कलर वगैरह आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। लॉक स्क्रीन से रिलेटेड आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन वगैरह, बट इसका यूज ना करें, क्योंकि बैटरी ड्रॉप होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे आपको डिवाइस रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, आप चाहो तो डबल कैमरे के कटआउट को अलग अलग कर सकते हो, तो पिल्स बना सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्रेश रेट 1690x120, और यहाँ पे बैटरी का भी आपको मिलता है हर बार की तरह, तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। बैटरी की अगर बात करें तो आप देखो यहाँ पे 38% आ चुका है, और आप देखो 44 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जब आया था, जब भी मैंने इसे फ्लैश कर लिया था, बट टेस्टिंग की वजह से थोड़ा डिले होता गया। और यहाँ पे 3 या 7 मिनट का यहाँ पे यूजेज है, जिसमें आप बाकी ज़्यादा चीज़ों को देख पाओगे, टेम्परेचर वगैरह का। लेकिन क्या देखने को मिला स्टैंड बाय ड्रेन वगैरह, वो भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। इसका हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह आपको वर्किंग देखने को मिलता है, और वो वाईफाई भी कॉलिंग आपको वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जहाँ पे जो भी अपडेट आया होगा वो शो हो जाएगा, उसका चैनल वगैरह भी आप यहाँ से चेकआउट वगैरह कर सकते हो।
थीम के अंदर वही सेम कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे कई सारे आइकन पैक्स दिए गए हैं, आइकन टाइप्स दिए गए हैं, और यहाँ पे QoS के भी टाइप्स आपको देखने को मिलता है। हेडर स्टाइल्स भी आप रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट वगैरह, और स्विच कैसा रखना है यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है ना, वो स्विच स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डार्क में किस टाइप का डार्क चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेटस बार का हाइट ज़्यादा चाहिए या नहीं वो कर सकते हो। राउंड कॉर्नर वगैरह बढ़ा सकते हो, जिससे एक अच्छा सा लुक दिखाई देता है जब आप यहाँ पे इसे कंट्रोल सेंटर को डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन में बहुत कुछ जो रिमूव कर दिया गया था वापस ऐड कर दिया गया है। तो एक बार पूरा चक्कर काट लेते हैं इनके सेटिंग्स वगैरह का, ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे हैंड्स अप, नोटिफिकेशन काउंट, और ये जो रीटेकर पहले प्रॉब्लम कर रहा था इसे रिमूव किया गया था लेकिन वापस ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे चार्जिंग लाइट्स वगैरह देखने को मिलता है, एम्बियंस रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएगा जहाँ पे कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे हेडर इमेज देखने को मिलेगा और सेंटर नोटिफिकेशन हेडर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से टाइमिंग फॉन्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, और जो भी डेटा यूज होगा वो यहाँ पे काउंट होगा। तो ये वीडियो मॉर्निंग में रिकॉर्ड हो रहा है, जब तक डेटा मैंने यूज नहीं किया इसलिए यहाँ पे 0 byte है, बट वो काम करता है अच्छे तरीके से। गेमिंग मोड भी आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे गेमिंग वगैरह को ऐड करके आप गेम प्ले वगैरह कर पाओगे, तो अच्छा सा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। फुल स्क्रीन ऐप भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे डिस्प्ले कटआउट भी दिया गया है, जो कि आप यूज कर सकते हो, बट ना यूज करो तो ज़्यादा बेटर है। और पहले के बैटरी के ऑप्शन के अंदर आपको एक टर्मिनल प्रोफाइल देखने को मिलता था, जो कि रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ही आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। कॉलिंग से रिलेटेड आपको डिसकनेक्टिंग, वेटिंग और यहाँ पे कनेक्टिंग का वाइब्रेट मिल जाता है, रेडियो इन्फो जो कि पहले भी था, यहाँ पे बाकी स्पीकर्स वगैरह का, एनिमेशंस का, और यहाँ पे सो क्लिपबोर्ड एक्सेस अलर्ट भी देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन पे आपको मिल जाता है म्यूजिक कवर आर्ट, विजुलाइजर, चार्जिंग एनिमेशन वगैरह, चार्जिंग इन्फो वगैरह। और वहीं पे अगर चार्जिंग की बात करें कि किस तरीके से हमें स्पीड देखने को मिलता है चार्जिंग का, तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल इसे कर दिया है कनेक्ट, और आप देख पाओगे किस तरीके से एनिमेशन देखने को मिल रहा है। कुछ देर के चार्जिंग को पुट करने के बाद यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल रहा है, तो फास्ट चार्जिंग ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है, जो कि मुझे एक छोटी सी कमी लगी, होना चाहिए था, बट यहाँ पे ये देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है वोल्ट का, जो कि आप कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट टाइप एंड ऑथेंटिकेशन और वाइब्रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बैटरी का आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जहाँ पे सॉलिड वगैरह के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। क्लॉक का ऑप्शन में वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल हर एक कस्टमर में दिखाई देता है। कलर वगैरह भी आप यहाँ पे सकते हो। आइकन मैनेजर में वोल्टी का आइकन वगैरह को, वो वाईफाई को आप कस्टमाइज कर पाओगे। और यहाँ पे आइटम्स वगैरह का सो एंड हाइट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। वोल्टी का आइकन को भी आपको डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल ही है। तो आपको लगेगा कि भाई वोल्टी तो काम नहीं कर रहा है, तो पहले आप इसे ऑन कर लेना, क्योंकि पहले ये ऑन रहता था बट अब यहाँ पे ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल टाइप्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, जो कि आप कस्टम कर सकते हो। ट्रैफिक इंडक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, कि सेटिंग में आप बॉटम कर सकते हो अपने ब्राइटनेस स्लाइडर को, या फिर हाइट भी कर सकते हो। यहाँ पे एंड्रॉयड 12 का आप टिंट ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, रो एंड कॉलम भी आप मैनेज कर पाओगे। और कस्टम हेडर में कई सारे नए ऑप्शन ऐड कर दिए गए, जिसके से आपको अच्छा खासा लुक देखने को मिल जाएगा कस्टम हेडर के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो हर बार नया दिखाई देता है। तो अगर आप ये यूज करते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है और पहले से बेटर भी कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो भी नाम यहाँ पे आपको रखना है वो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। यहाँ पे बटन के अंदर वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पावर मेनू का, एडवांस बूट मेनू वगैरह इनेबल कर पाओगे। और यहाँ पे आपको मिलता है क्लिक पार्सल स्क्रीनशॉट, इसे अगर आप ऑन करते हो तो सिलेक्टेड वाला स्क्रीनशॉट आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि आप देख पाओगे मैंने ऑन कर दिया है, बट अभी भी जो फुल स्क्रीनशॉट काम कर रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन हाँ काम कर जाता है। अगर मैं यहाँ पे QoS के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट को चेंज करने का, और चेंज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देखो फिर भी फुल स्क्रीन यहाँ पे अभी ये क्लिक हो रहा है, जबकि मैंने पर्सनली को सिलेक्ट कर दिया है। तो ये काम करता है बट थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ से आपको जो 120-60 वगैरह चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, गेमिंग मोड वगैरह, और यहाँ पे हेडफोन का कंट्रोल भी कर पाओगे लेफ्ट एंड राइट का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। डार्क मोड तो अच्छे से काम करता ही है, CPU इन्फो वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और बाकी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म करती है। लेकिन रही बात की परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता, उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। और ये वॉलपेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको MIUI का कैमरा देखने को मिलता है, यानी आप है जो अच्छा खासा फोटो वगैरह क्लिक कर पाओगे। 64 पोर्ट्रेट, वीडियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे वर्किंग है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आया है। अब आसानी से इनका बेनिफिट है जो ले सकते हो। अब आते हैं परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, किस टाइप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका जो रिजल्ट है Antutu का काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, पहले से काफ़ी बूस्टर है, क्योंकि हमेशा 3.3 का रिजल्ट आता है और 3.4 का है, और 3% का हीटिंग और 1% का बैटरी ड्रॉप। तो यहाँ पे बैटरी जो है आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, और हीट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा निकल के आता है। प्ले स्टोर सर्टिफाइड रहता है, तो बैंकिंग का ऐप यूज कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा। 11 का सपोर्ट भी बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है, तो इशू नहीं है।
और यह सिंगल और मल्टीकोर का रिजल्ट जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। और सीपीयू टोटल भाई काफ़ी लाजवाब है क्योंकि 93 का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब रियली में गेमिंग रोम बन चुका है क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो चुका है, स्पेशली परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है पहले के कंपेरिजन में। और यहाँ पर आप चेक कर पाओगे स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप 91 था और जब मैं मॉर्निंग पर चेक करता हूँ तो 91 का 91 ही रह जाता है। तो यहाँ पर फुल नाइट में 0% का बैटरी ड्रॉप था ये, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम के यूज के बाद ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो कैसे आगे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पाओगे मैंने जो BGMI को प्ले किया है दोनों सेटिंग्स के ऊपर, तो थोड़ा सा आप गेम प्ले यहाँ पे देख सकते हो FPS मीटर की क्या देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे गेमिंग अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बट उतना ज़्यादा स्मूथनेस अभी गेमिंग के अंदर नहीं आया है, तो मे बी एक दो अपडेट के बाद वो भी ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे अच्छा खासा आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे, दिक्कत नहीं आएगा परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब ये है नेक्स्ट डे का बैटरी टेस्ट जो कि फुल नाइट का है। तो आप देखोगे यहाँ पे 49 है और जब मैं मॉर्निंग पे चेक करता हूँ तो ये 42 चला जाता है, तो करीब करीब 7% का बैटरी ड्रॉप हो गया है सेकेंड डे, जबकि बैटरी यहाँ पे थोड़ा डाउन था। तो फर्स्ट डे कोई ड्रॉप नहीं देखने को मिला और सेकेंड डे ये ड्रॉप देखने को मिला, तो भाई अलग तरीके से अलग अलग बैटरी ड्रॉप हो रहा है, तो आप देख लेना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप है जो देखने को मिला है। बाकी जो कुछ भी था यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है, आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। और ये रोम रियली में काफ़ी ज़्यादा बीस्ट हो चुका है परफॉर्मेंस के मामले में, कस्टमाइजेशन के मामले में और स्पेशली गेमिंग वगैरह के मामले में। आपका क्या है ओपिनियन, क्या आप इसे यूज कर रहे हो या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और आप में से कितने सारे यूजर्स ने Mi 11X को बाय किया है इसे एक्सचेंज करके, क्योंकि कैमरा का इशू आ रहा था तो मुझे लगता है कि बहुत सारे यूजर्स ने Mi 11X को बाय किया होगा, तो कमेंट जरूर करना।